हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। निशा जी, जाना चाहूंगा भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी ने पवन सिंह जी पे बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि उनका जो करियर है उसको वो खत्म करने के फिराक में है और बहुत दुर्व्यवहार किया उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे कि कितने दुख की बात है कि इस तरह के आरोप लगाना एक नामी ग्रामी हस्ती पे। सबसे पहले तो मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आते के साथ आपने बम फोड़ा है सबसे पहले सवाल में। तो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा जो भी होगा कमेंट्स में जो भी करूंगी वो किसी को ये लेके नहीं करूंगी कि वो मेरे बहुत क्लोज हैं या अक्षरा जी मेरे बहुत क्लोज है या पवन जी मेरे बहुत क्लोज है, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने आज तक पवन जी के साथ काम किया, ना मैंने आज तक अक्षरा जी के साथ काम किया। तो मेरे लिए जो मेरे नज़र में वैल्यू पवन जी की है वही अक्षरा जी की भी है। तो बात अगर करूँ करियर की कि वो उनका करियर ख़त्म करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। लेकिन आप साथ में काम भले ना की हों लेकिन जानती तो होंगी निजी तौर पे आप कितनी बार मुलाकात की होंगी कहीं फंक्शंस में या ऐसे भी। नहीं, ये बात मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी बीच में हमारी एक एक्ट्रेस ने कमेंट किया था पवन जी को लेके कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं और हमारी फ़ोन पे कन्वर्सेशन होते रहती है। तो मैंने कमेंट्स में देखा लोगों ने ये बोला कि जो अक्षरा जी के सपोर्ट में जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ ये तो पवन जी के साथ काम करती है तो ये तो उनके फेवर में ही बोलेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले क्लियर किया कि मेरा किसी के साथ कोई वैसा निजी संबंध नहीं है और मैं जो भी बोलूँगी अपने हिसाब से बोलूंगी। मुझे जो लगता है कि हाँ अगर ये सही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही बोलूंगी जो भी बोलूं। तो मतलब आप न्यूट्रल रहना चाहती हैं, आप ना अक्षरा जी के पक्ष में हैं ना पवन जी के पक्ष में। नहीं नहीं, पक्ष की बात नहीं है। कैसा है पहले ये चीज डिसीजन ले लेते पब्लिक। मैंने देखा है कि जब भी किसी का ऐसा बयान आता है तो पहले लोग डिसीजन, अच्छा ये पवन जी को खराब बोली तो इसको गाली देना चालू कर दो, अक्षरा जी को खराब बोली तो गाली देना चालू कर दो। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी के पक्ष से नहीं बोलूंगी। हाँ, मुझे अगर लगता है कि अक्षरा जी गलत है तो मैं बोलूंगी कि वो गलत है। अगर मुझे लगता है पवन जी गलत है तो मैं उनको बोलूंगी। लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी पर्सनल राय है कि मैं यहाँ पे पवन जी को गलत नहीं बोल सकती। तो पवन जी को गलत नहीं बोल सकती ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अक्षरा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जिस इस तरह से लगा रही हैं आरोप, उनसे आप जब मुलाकात की कैसा बात व्यवहार रहा है उनका, आपके साथ कैसा रिश्ता रहा? मेरे बहुत अच्छे रिलेशन से, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम मिलते जुलते रहते हैं बीच में। लेकिन ये जो कॉन्ट्रोवर्सी, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता हमारी इंडस्ट्री को हो क्या गया है। पहले एक बार अभी कुछ दिन पहले खेसारी जी का, प्रियंका पंडित जी का ये सब चल रहा था, अभी सडनली वो शांत नहीं हुआ, अभी ये फिर से चालू हो गया। अभी क्या चल रहा है, लोग क्यों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अक्षरा जी ने बोला कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती थी, उनका बैग उठाती थी और उनको उठाती थी। चलो ठीक है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे है, वो आपका पर्सनल निजी मामला है। पहली चीज़ की तो अपने घर के अंदर जो बातें चल रही हैं आपने एक्सेप्ट किया ऑन मीडिया की, हमारे रिलेशंस भी थे। तो अगर आपके रिलेशंस थे, आपने अपने रिलेशन में क्या किया, उन्होंने आपके लिए क्या किया, वो तो ऑन मीडिया आके नहीं बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया। आप क्यों बोल रही हैं, क्यों किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं आप? अगर तकलीफें हैं, अगर चीज़ें वहाँ पे बिगड़ रही हैं तो आप पर्सनली उनसे जाके मिलिए, उनको फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए। घर की चीज़ ऐसे पब्लिकली ये सब करना मेरे हिसाब से गलत है। लेकिन जैसे ये जानना चाहूँगा कि आप खुद एक औरत हैं, आप नहीं समझ सकते इस बात को कि जब किसी को तकलीफ थी औरत को, तो एक औरत को सहयोग करना चाहिए उसका इस मोड़ पे। हाँ, सहयोग करना चाहिए। और अगर केवल गलती अगर एक साइड से होती तो ज़रूर मैं सहयोग करती, बिना जब तक ये दोनों हाथ नहीं चिपकता ना ताली नहीं बजती। गलती दोनों तरफ से होती है। तो मेरी सबसे बड़ा पॉइंट मेरा यहाँ पे यही है कि जब आप रिलेशन में आई, क्योंकि सॉरी मैं ये बात नहीं बोलना चाहिए, आपने एक्सेप्ट किया ऑन मीडिया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जब रिलेशन में आई तब तो आपने मीडिया वालों से नहीं पूछा कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ। जब आपने फिल्में करना स्टार्ट किया तब तो आपने किसी से नहीं पूछा। आज जब चीज़ें बिगड़ रही है या बिगड़ी होंगी तो फिर क्यों आप पब्लिकली क्यों ये सब चीज़ें कर रही हैं, मीडिया के सामने क्यों कर रही हैं? जब उस वक्त सीक्रेट सब कुछ किया तो अब भी सीक्रेट करो ना, ये चीज़ है मेरे हिसाब से। लेकिन प्रोफेशनली कभी कोई कंपटीशन रहा था इससे आपका, मतलब आपकी फिल्में हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो साथ में आया और आपको लगा कि? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई कंपटीशन नहीं। अक्षरा जी मेरे से बहुत सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। वो उनका अलग जोनर है, मेरा अलग जोनर है। तो ठीक है, प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।